I am Dr. Smith speaking, and we are discuss about the important question of BSc second year electronics and solid state devices. मैं आपका फिजिक्स का प्रोफेसर हूँ और ये हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं जिससे आपको नॉलेज हो जाएगी, एक फ्लो मिल जाएगा कि कैसे किस चीज में कौन से इंपॉर्टेंट है. आप इस पे फोकस करिए, इन पे ज्यादा फोकस करिए और थोरली क्वेश्चन पेपर पढ़िए आप. तो हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नेटवर्क. नेटवर्क क्या होता है? कोई भी सर्किट्स है जिसमें सोर्स ऑफ वोल्टेज है और जिसमें रेजिस्टेंस है या इम्पीडेंस है या कैपेसिटर है और जो क्लोज्ड है जिसको हम नेटवर्क कहेंगे, जिसमें करंट का फ्लो हो रहा है. देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्लोज. अगर कोई सर्किट क्लोज नहीं तो उसको हम नेटवर्क नहीं बोलेंगे. तो नेटवर्क के अंदर तीन पैरामीटर होते हैं, दैट इज जेड, वाई एंड एच पैरामीटर. जेड इज कॉल्ड इंपीडेंस पैरामीटर, इसको हम हिंदी बोलेंगे प्रतिबाधा. Y को एडमिटेंस पैरामीटर, इसको हम बोलेंगे परिवेशता. और H पैरामीटर, इसको बोलेंगे संकर. H पैरामीटर, इसको बोलेंगे संकर. अब देखिए Z इंपीडेंस पैरामीटर है, Z इंपीडेंस पैरामीटर है, यह है प्रतिबाधा. इसके अंदर जो एनर्जी सोर्स होगा वो होगा आपका सोर्स वोल्ट का स्रोत. ये Y है एडमिटेंस, इसको हम बोलते हैं परिवेशता. इसमें जो सोर्स ऑफ एनर्जी होगा वो होगा करंट सोर्स, जो मैंने यहां पे आपको लिख के दिखाया करंट सोर्स. और इन दोनों का मिक्स, अगर मान लो उसमें करंट सोर्स भी है उसमें वोल्टेज सोर्स भी है, उसको हम क्या कहेंगे? जेड पैरामीटर. जिसमें बोथ सोर्स, द सर्किट हैविंग बोथ सोर्स एज वोल्टेज एज वेल एज करंट. मैंने इसको सिंबल को दिखाया है, वी डिस्कस अबाउट द सिंबल ऑफ जेड जेड पैरामीटर. इसमें क्योंकि ये वोल्ट का स्रोत है, इसमें आपका आपका जो सिंबल होगा वो ये है. वाई सोर्स, इसमें करंट सोर्स है तो आपका सिंबल ये है. और जैसा कि मैंने आपको बताया, एज ऑलरेडी टोल्ड टू यू दैट द एच इज द हैविंग बोथ सोर्स, इट इज करंट सोर्स एज वेल एज वोल्टेज सोर्स. नेक्स्ट पे टी एंड पाई सर्किट्स. There are so many complicated circuits in which current flow and voltage flow. If we calculate the current and voltage or so many other things, that is very, very difficult for us. So for simplifying the circuits, a complicated or a jatil circuit ko main simplify karunga. Uske do tarike hai. Ya to main T circuit mein, we can change in T circuit. Aur ya main pi circuit mein, we can change pi circuits. आप इसको देख सकते हैं, यू कैन सी दैट इट लुक लाइक से टी शेप एंड दिस लुक लाइक ए पाई शेप. सो दैट्स व्हाई वी कॉल दैट टी सर्किट्स एंड पाई सर्किट्स. दी सर्किट इज यूज फॉर सिंप्लीफाइंग द कॉम्प्लेक्स सर्किट्स इनटू द सिंपलेस्ट सर्किट्स. तो ये कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है उसको सिंपलेस्ट सर्किट्स में चेंज करने के लिए ये मेथड यूज होता है, जो इसको हम कहते हैं टी और पाई. टी को पाई में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और पाई को हम टी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. Now, there are so many theorems which are giving in the electronics, the Thevenin theorems, reciprocity theorems, superposition, adharopan pramey, maximum power transfer theorems. Isme ek hai maximum power transfer theorem, usko hum discuss karte hain. Agar, if the load resistance is equal to source resistance, agar aapka load resistance aur source resistance equal ho jate hain, if the load resistance is equal to the source resistance, then we get maximum out. उस स्टेज में हमको निर्गत में जो वोल्टता है, धारा है, वो मैक्सिमम मिलेगी. सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर. नाउ वी गोज ऑन द सेकेंड थिंग, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर. वी ऑलरेडी रीड इन द 12th क्लास, बट हियर वी टेक मोर एंड मोर नॉलेज अबाउट द हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, अर्ध तरंग दिष्टकारी एंड पूर्ण तरंग दिष्टकारी. हाफ वेव रेक्टिफायर कन्वर्ट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द यूज ऑफ रेक्टिफायर? रेक्टिफायर यानी दिष्टकारी का यूज क्या है? दिष्टकारी का यूज है, जो रेक्टिफायर का यूज है वो है AC to DC. द रेक्टिफायर और दिष्टकारी इज यूज फॉर कन्वर्ट एसी अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट. हियर वी टू types of rectifier are, we can discuss here. First is half wave and that second is full wave. Half rectifier, if we give the input cycle, one is
one cycle, one phase is called positive and second phase is called negative. It convert only one phase, only positive phase it will convert and negative phase it will be not convert. ये केवल पॉजिटिव कला को ही आप डीसी में बदलेगा, नेगेटिव को नहीं बदलेगा. सो दैट्स व्हाई कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर. एंड सेकंड वी डिस्कस अबाउट द फुल वेव रेक्टिफायर. फुल वेव रेक्टिफायर कंप्लीटली कन्वर्ट द बोथ फेज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बोथ फेज इट कन्वर्ट पॉजिटिव साइकिल. सो दैट इज कॉल्ड फुल वेव रेक्टिफायर. अर्ध तरंग जो दिष्टकारी है वो जो हमने इनपुट में निवेशी एसी दी है उसके केवल आधे भाग को ही दिष्ट धारा में बदलेगा. और दूसरी तरफ अगर जो फुल वेव रेक्टिफायर यानी पूर्ण तरंग दिष्टकारी वो दोनों ही साइकिल को आपको कन्वर्ट करके देगा डीसी में. फिल्टर, फिल्टर इज यूज्ड टू रिमूव द एसी कंपोनेंट, एसी पोर्शन फ्रॉम द डीसी पोर्शन व्हेन वी गेट इन आउटपुट. जब हमें आउटपुट में डीसी मिलती है तो उसके अंदर से जो एसी पार्ट है उसको ये रिमूव करने के काम आता है, जिसको हम फिल्टर कहते हैं. जैसे आप देख सकते हैं, जैसे हम लोग टी बनाते हैं, चाय बनाते हैं, तो हम लोगों को चाय जो लिक्विड फॉर्म है वो कप में चाहिए, और जो टी होती है जो उसका एक्सक्रेटा होता है वो हमें क्या करते हैं फिल्टर छन्नी के अंदर रह जाता है. सेम हमें आउटपुट में डीसी चाहिए, बट आउटपुट में कुछ पोर्शन एसी का आ जाता है जिसे ये फिल्टर रिमूव कर देता है. नाउ We discuss about the Zener diode. What is Zener diode? Zener diode is a diode which acts in the reverse bias. Zener diode, diode की वो type है जो हमेशा उत्क्रम अभिनीति में काम करेगी. और ये काम क्या करेगी? Voltage stabilization में. हमने घरों में देखा है, बहुत सारे AC को आपने देखा है, सबके साथ एक voltage stabilizer use होता है, जिसमें हम लोग Zener diode का use करते हैं. जो up down होती है वोल्टेज और इलेक्ट्रिसिटी, उसको क्या कर देता है? ये स्टेबल कर देता है. तो Zener diode is works in always works in reverse bias and it is used as a voltage regulator. Now we are come about a transistor. Transistor is called transfer of resistor. जो रजिस्टर का ट्रांसफर करे. These are two types. First is PNP transistor and second is NPN transistor. PNP transistor having three, PNP and NPN both having three part. First is emitter, उत्सर्जक जिसको हम बोलते हैं. Second is आधार, base. Third is collector, जिसको हम संग्राहक बोलते हैं. ये उसका सिंबल है. Gain factor, देखिए gain factor का मतलब होता है what we get in output in comparison to input. So gain factor is equal to output voltage upon input voltage. Next is load line. Load line स्टूडेंट्स, लोड लाइन से हम ये देखते हैं कि कोई ट्रांजिस्टर कितने लॉन्ग टाइम तक बिना खराब रहे काम कर सकता है. कोई ट्रांजिस्टर है, हम चाहते हैं वो बहुत लंबे समय तक काम करे, तो हम एक कैलकुलेशन करते हैं, लोड लाइन निकालते हैं, जिसमें आपको एक पॉइंट होता है. दिस इज लोड लाइन, दिस इज वोल्टेज, दिस इज करंट. ये पॉइंट होता है, ये पॉइंट अपने आप मूव करता है. जब हम प्रैक्टिकली इसको करेंगे तो ये मूव करेगा. तो अगर हम चाहते हैं, इफ यू वांट टू दैट आवर ट्रांजिस्टर वर्क फॉर ए लॉन्ग टाइम, देन इट्स कैलकुलेशन, इट्स क्यूशेंट पॉइंट विल बी इन द मिड, एंड दिस इज कॉल्ड लोड लाइन, एंड दिस क्यूशेंट पॉइंट आल्सो कॉल्ड क्यू पॉइंट और प्रचालन बिंदु. अगर हम चाहते हैं बहुत लंबे समय तक हमारा ट्रांजिस्टर बिना खराब किए काम करे, तो ये पॉइंट कहां होना चाहिए? मिड में होना चाहिए. नेक्स्ट इज फीडबैक, पुनर्निवेशन. पुनर्निवेशन किस लिए यूज करते हैं? पुनर्निवेशन का हम यूज करते हैं एम्पलीफायर में. आउटपुट का कुछ पोर्शन इनपुट में वापस हम फीड कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा एम्पलीफिकेशन फैक्टर और बहुत सारी चीजें बढ़ जाती हैं विदाउट गिविंग एनी एनर्जी सोर्स. तो द आउटपुट पार्ट फीड इन द इनपुट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फीडबैक. निर्गत का कुछ अंश निवेशी में पुनर्निवेशित करने की प्रक्रिया को पुनर्निवेशन कहते हैं. ऑसिलेटर, जैसे कि हमने पढ़ा कि अभी तक हमने पढ़ा दिष्टकारी, दिष्टकारी क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है. ऑसिलेटर उसका उल्टा है, ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा. रेक्टिफायर क्या करता है? एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है. और ऑसिलेटर बिल्कुल इसका रिवर्स है, ये डीसी को एसी में कन्वर्ट करेगा. द डिवाइस विच कन्वर्ट
डीसी डायरेक्ट करंट इनटू एसी करंट अल्टरनेटिंग करंट, दिस इज कॉल्ड ऑसिलेटर. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द गेट. गेट इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग ए एनालॉग सर्किट टू डिजिटल सर्किट. In new modern era, we use always a digital circuits in comparison to then analog circuits. Gates are of three types: OR gate, AND gate, and NOT gate. These are the gates. OR gates. These are the truth table of OR gates. If we give 0, 0 at AB, we get 0. If we give 0, 1 at A or B, then we get 1. If we give 1 at A and 0 at B, we get Y is equal to 1. If we give 1, 1 at A and B, we get 1 at the output. In the same manner, AND gate. If we give 0, 0 at AB, then we get 0 at output. If we give A is equal to 0, B is equal to 1, we get Y is equal to 0. If we give A is equal to 1, B is equal to 0, we get 0, because it always perform the multiplication operation. And if we give A is equal to 1, B is equal to 1, we get Y is equal to 1. On the other side, NOT gate. NOT gate is also called inverter gate, because it converts input signals. If we give 0, then we get output 1, and if we give 1 at input, then we get output 0. So it is called NOT gate. So बच्चों, इस तरीके से आप तैयारी करें और बहुत अच्छे से तैयारी करें. मैंने सबका ब्रीफ में सब कुछ बता दिया है, और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कॉल करके. थैंक यू वेरी मच.